चंबल नदी को मिले एक अभिशाप और कुख्यात भीहड़ के कारण भारत देश में कम से कम एक नदी साफ तो है। चंबल जलीय जीवन से लदी बह रही है, यही अभिशाप इसके लिए एक वरदान है। गंगा एक देवी नदी है लेकिन बहुत प्रदूषित है, जबकि चंबल नदी एक अभिशप्त है लेकिन साफ सुथरी नदी है। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थिंग्स टू नो में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चंबल नदी के इतिहास से रूबरू कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंबल का पुराना नाम चरमावती है और कहीं कहीं पर इसको कामधेनु के नाम से जाना जाता है। चरमावती नाम का कारण है कि पुराने जमाने में चंबल नदी के तट पर भारी मात्रा में जानवरों को मारकर उनकी खाल को सुखाया जाता था। यह भी कहा जाता है कि पुराने जमाने में किसी राजा ने चंबल के किनारे किसी यज्ञ के लिए इतने जानवरों की बलि दी थी। इसके पानी में खून मिल गया था, इसमें गाय का खून भी शामिल था, इसलिए किसी ऋषि ने चंबल को हमेशा अशुद्ध रहने का वरदान दिया था। महाभारत में भी चंबल नदी का जिक्र किया गया है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने चीरहरण के बाद चंबल को श्राप दिया था कि इसका पानी कोई भी नहीं पिएगा। दोस्तों भारत की साफ सुथरी नदियों में से एक है चंबल नदी। यह दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी है। मध्य प्रदेश में मऊ के निकट समुद्र तल से 616 मीटर ऊंची जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई चौरासीगढ़ के निकट चंबल की नदी राजस्थान की सीमाओं में प्रवेश करती है। चंबल नदी में भारी मात्रा में जलीय जंतु भी पनप रहे हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और जब यह यमुना से मिलती है तो चंबल नदी के साफ पानी के कारण यमुना नदी का प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यमुना में मिलने के समय इसमें पानी की मात्रा भी यमुना के पानी से अधिक होती है। यही कारण है कि यमुना को हम प्रदूषित स्थिति में दिल्ली, आगरा, मथुरा में देखते हैं, वैसी स्थिति में यमुना हमें इलाहाबाद में नहीं दिखती। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहती है। चंबल का जल ग्रहण क्षेत्र 143,219 वर्ग किलोमीटर का है। अपने उद्गम से लेकर 346 किलोमीटर आगे तक यह नदी मध्य प्रदेश में बहती है। 225 किलोमीटर राजस्थान में, 217 किलोमीटर लंबी सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बनाती है। 145 किलोमीटर की लंबी सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बनाती है। 32 किलोमीटर का रास्ता उत्तर प्रदेश में तय करने के बाद जालौन के पास यमुना में मिल जाती है। चंबल विकास परियोजना के तहत यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर चार बांध स्थापित किए गए हैं, गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़ में, जवाहर सागर बांध बूंदी कोटा बैराज कोटा, इनसे पन बिजली परियोजना जुड़ी है। चंबल नदी के एक लंबे क्षेत्र को वर्ष 1979 से चंबल वन्य जीव अभयारण्य के तहत तौर पर घोषित किया गया है, जहां मछली पकड़ना भी मना है। इसके फलस्वरूप चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और 8 प्रजाति के कछुए और रिवर डॉल्फिन के साथ साथ तमाम प्रजाति के पक्षियों का बसेरा भी चंबल नदी की शोभा में चार चांद लगाते हैं। चंबल नदी का अधिक क्षेत्र ऐसा है जहां नदी बहुत गहराई से बहती है या फिर बीहड़ों के बीच बहती है। इन बीहड़ों का उपयोग आज़ादी के पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था और इसके बाद इसका उपयोग डाकुओं ने भी किया। आज के दौर में जब नदियों पर सरकारें और किनारों पर बसने वाले लोग इन पर अपना अधिकार मानते हैं, चंबल इनसे अछूती एक साफ सुथरी बहती हुई नदी है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।